सुषमा स्वराज के निधन से बॉलीवुड में शोक की लहर। ट्वीट कर सितारों ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज को गंभीर हालत में एम्स में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का मंगलवार रात दिल्ली में निधन हो गया। बताया जा रहा है कि दिल का दौरा पड़ने से भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का निधन हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की दिग्गज नेता विदेश मंत्री रहते हुए सुषमा स्वराज ने जिस समर्पण के साथ अपना कर्तव्य निभाया, वास्तव में वे एक मिसाल थी। बता दें कि सुषमा स्वराज के निधन को लेकर राजनीतिक दुनिया के साथ ही अन्य क्षेत्रों में भी गम का माहौल छाया हुआ है। सुषमा स्वराज के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। वहीं बॉलीवुड सेलेब्स भी इस खबर को सुनने के बाद सदमे में हैं। सभी ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इनमें अशोक पंडित, रवीना टंडन, रणदीप हुड्डा, सनी देओल, अदनान सामी और सोफी चौधरी, आयुष्मान खुराना, रितेश देशमुख, परिणीति चोपड़ा, बोमन ईरानी, सबाना आजमी सहित जैसे अन्य कलाकार शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री रवीना टंडन ने अपने ट्वीट में लिखा, सुषमा स्वराज जी के निधन के बारे में सुनकर मैं बहुत हैरान हो गई हूँ। वह एक महान नेता थी, एक महान महिला और काफी दयालु थी। सभी उनसे प्यार करते थे। उनके परिवार और प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदना। बॉलीवुड अभिनेता और बीजेपी सांसद सनी देओल ने इस घटना पर ट्वीट किया। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, सुषमा जी के निधन पर मेरी हार्दिक संवेदना। वह हमारे देश के बेहतरीन नेताओं में से एक थीं। वह विशेष थीं और हम उन्हें याद करेंगे। बॉलीवुड सिंगर अदनान सामी ने भी सुषमा स्वराज के निधन पर शोक जताया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मैं और मेरा परिवार यह जानकर काफी हैरान है कि सुषमा जी का अचानक निधन हो गया। वह हम सभी के लिए ममतामी हस्ती, बेहद सम्मानजनक नेता, असाधारण व्यक्तित्व और एक बहुत ही प्यारी इंसान थी। उनकी कमी हमें बहुत खलेगी। बॉलीवुड अभिनेत्री सोफी चौधरी ने दिग्गज नेता सुषमा स्वराज के निधन पर ट्वीट करते हुए लिखा, सुषमा जी के निधन के बारे में सुनकर मैं काफी हैरान हूँ। वह एक नेता थी जिनकी मैं आज भी प्रशंसा करती हूँ। राष्ट्र की सेवा के लिए आपके सभी वर्षों का धन्यवाद। बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा ने सुषमा स्वराज को श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा, एक दिवंगत नेत्री सुषमा स्वराज, उनसे कभी नहीं मिला लेकिन उनके गुजरने पर काफी दुखी महसूस कर रहा हूँ। एक अध्याय का अंत हुआ जिसमें दुनिया भर के भारतीयों को लगता था कि कोई उनकी देखरेख कर रहा है।